राम राम सभी भाइयों को। आज हम इस वीडियो को सेकंड पार्ट दिखाएंगे, जिसमें हम बताएंगे कि निसान मैग्नाइट के फ़ायदे क्या हैं लेने के। कि अभी जो मैंने पिछली वीडियो डाली थी उसमें दिखाया था मैंने कि निसान मैग्नाइट गाड़ी लेके क्या घाटा हुआ मुझे, बट मैं अब बताऊंगा आपको कि क्या क्या मुझे फ़ायदे हुए इस गाड़ी को लेके, क्या क्या मुझे बेनिफिट्स लगे इस गाड़ी को लेके। भाई सबसे पहला मैं बेनिफिट आपको बताऊँ तो सबसे बड़ी बात जो है ना, यह गाड़ी की लुक, यह गाड़ी की लुक घनी ज़बरदस्त है भाई। कति मौज आ जाती है कि लुक में भाई। कई बंदे से मेरे रिव्यू मिले हैं और भाई जब भी कोई गाड़ी बंदा देखता है तो इसके मतलब तारीफ ही करता है। और कई दोस्त तो मेरे भाई ये कहते हैं कि भाई गाड़ी भाई लुक वाइज तो कति शेर नहीं सी लगे, कति ज़बरदस्त एकदम। सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट तो मैं इसकी लुक को ही दूंगा। फिर अगर मैं सेकंड पॉइंट पर अगर देखूं तो सबसे बेहतरीन लगते हैं इसके अलॉय व्हील्स। भाई माफ़ करना है, वो अभी थोड़े सफ़ा नहीं कर रहे मैंने, मतलब थोड़े चमक नहीं रहे फिलहाल ये, इसलिए इतने थोड़े सही नहीं लग रहे होंगे। बाकी भाई अलॉय व्हील्स में ना इतना जान फूक रखी है गाड़ी ने, मतलब अलॉय व्हील्स इतने ज़बरदस्त हैं इसके भाई। हालांकि मुझे कंपनी के अलॉय व्हील्स बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे बाहर आफ्टर मार्केट अलॉय व्हील्स बहुत पसंद है लुक्स वाइज, बट ये है कि इस कंपनी के अभी अलॉय ना मुझे बड़े ज़बरदस्त लगते हैं। हालांकि वैसे कोई मतलब मज़ा आता है इन्हें। फिर भाई अगर मैं आपको अगला पार्ट बताऊं इसका, वैसे तो ये रात को ज़्यादा बढ़िया चमकेगा, बट जो इसकी DRLs हैं आगे की, जो ये DRL हैं जो ये दे रखी हैं यहाँ पे, ये DRLs ये जो है, ये जब भाई रात में चमकती है ना भाई, लगे हैं ये कुछ मतलब बड़ी ज़बरदस्त लगती हैं, इतनी जबर लुक आती है। हो सकता है तो मैं आपको वीडियो अटैच करके दे दूंगा इसकी कि कैसी लगती हैं रात में, लेकिन भाई बड़ी जबर लगती हैं ये रात में, ये LED है DRL जो है भाई, ये मुझे बहुत बढ़िया लगा भाई। अगली अगर इसकी बढ़िया बात अगर मैं बताऊं आपको तो अगली बढ़िया बात लगती है भाई मुझे इसका इंटीरियर। तो भाई इंटीरियर मुझे वाकई में बहुत ज़बरदस्त लगता है इसका, जैसे ये निसान का ये स्टीरियो, ये दे रखा स्टीयरिंग और इसके माउंटेड कंट्रोल्स हैं भाई, मुझे बहुत ज़बरदस्त। अगली जो बात इसकी भाई मुझे बड़ी धांसू लगती है, ये लगता है इसका सिस्टम भाई वाकई में गाड़ी का भाई बहुत बढ़िया। मतलब ये है कि कंपनी स्टीरियो के हिसाब से ना इसकी साउंड बहुत बढ़िया है। हालांकि वीडियो भी डाल रखी है इसकी साउंड कैसी है उस बारे में, तो ये बात मुझे बहुत बढ़िया लगती है। और उसके बाद अगर मुझे कुछ बढ़िया लगता है ना इस गाड़ी में, सबसे बढ़िया जो मेरा मन करता है बैठने का, ये लगता है इसका इंस्ट्रूमेंटल कस्टम भाई, इतना सही ज़बरदस्त चीज़ दे रखी है ना भाई, मुझे बड़ी पसंद आई है। बहुत बंदों को ये कार्टूनिश लगता है कि ये, और ये खासकर जो ये मैग्नाइट ऐसे बन के आती है भाई, इतनी ज़बरदस्त लगती है भाई, भाई बड़ा मज़ा आता है इसे देखने में। खासकर जैसे हम मैंने स्टार्ट करा था इसके आरपीएम मीटर भाई, भाई बाकी को किसी को अच्छा लगे ना लगे, लेकिन भाई मुझे बड़े ज़बरदस्त लगते हैं भाई इसके जितने भी भाई, मुझे इसके सिस्टम बहुत ही बहुत सही ज़बरदस्त लगता है साहब। क्या नाम है, ये जितने भी ये मतलब इसमें फंक्शंस दे रखे हैं इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर में, ये हो गया, ये एवरेज रियल टाइम एवरेज दिखाने वाला हो गया ये सीन, और उसके बाद अपना ये है भाई, ये ट्रिप मीटर में भाई माइलेज दिखाना, एवरेज स्पीड दिखाना, और ये सारे, और इन सब में सबसे बेस्ट ये बहुत बढ़िया लगता है, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है एवरेज से लेके आपकी RPM से लेके स्पीड सब कुछ, फ्यूल मीटर वीटर सब कुछ, ये लेफ्ट साइड में हीट का साइन दिखाता है। हालांकि इसके बारे में भी मेरी एक डेडिकेटेड वीडियो है इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर के बारे में भाई, ये मुझे इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर इसका बहुत ज़बरदस्त लगा इसका। फिर भाई अगर मैं एक और तारीफ करूँ भाई, गाड़ी का AC इतना ज़बरदस्त है ना भाई, ये लगा लो चाहे कितनी धूप पड़ रही हो, फिलहाल भी भाई अच्छी खासी धूप पड़ रही है भाई, ये लगा लो मतलब सही ठंड चढ़ा देगा थोड़ी देर में, बहुत सही AC है भाई, बहुत सही AC मेरी नज़र में तो भाई, बहुत सही AC है इसका, मज़ेदार है भाई AC। बाकी यार ORVM भी बढ़िया है इसके, यहाँ एडजस्टमेंट दे रखे हैं भाई, फिलहाल तो मेरे पास यही बढ़िया लगे इसकी। और भाई सबसे बड़ी बात यह, मैं गाड़ी में जैसे कि आप सबको पता है कि इस गाड़ी में 16 इंची के टायर आते हैं जिन अलॉय व्हील की मैंने तारीफ की है भाई, गड्ढे पड्ढे इनमें कोई खास पता नहीं लगती है, इसमें बहुत सही हिसाब है, गड्ढे वड्ढे ऐसे ही निकाल दो कोई दिक्कत ना है। मेरे पास दूसरी गाड़ी हुई है, स्विफ्ट गाड़ी है भाई, ये लगा लो उसमें इतने गड्ढे पता लगे हैं, मतलब अगर थोड़ा बहुत है, क्योंकि इस टाइम हमारा बुरा हाल हो रहा है इस टाइम गड्ढे इनका,
तो ये बहुत वो लगी दिक्कत है इसमें, मतलब बहुत बढ़िया लगा ये मैग्नाइट, बहुत बढ़िया चलती है गड्ढे वड्ढे में कोई दिक्कत नहीं लगती। और भाई ये है इसके एक बूट स्पेस भाई मुझे कोई कमी नहीं लगी, बहुत ज़बरदस्त लगा मुझे इस पर। फिलहाल तो इसमें तिरपाल सी पड़ी है, तिरपाल हटा कर दिखाऊँ तो अच्छी खासी बूट स्पेस है इसमें। इसमें बॉटल वॉटल सी पड़ी है वैसे ही थोड़ा एक्स्ट्रा, भी पानी वानी भर के ले जाना हो। भाई बढ़िया लगा मुझे इस आप गाड़ी में, कोई कमी नहीं लगी। और सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होने इसके रियर लुक और फ्रंट लुक दोनों, मतलब ये चारों तरफ से गाड़ी लगती है भाई कुछ ज़बरदस्त, इस वजह से भाई मुझे तो ये पसंद आई थी गाड़ी। और सबसे बड़ी बात भाई इसका प्राइस ब्रैकेट इतना ज़बरदस्त है ना भाई इस गाड़ी का, भाई मेरी नज़र में इस प्राइस में यहाँ तो बढ़िया गाड़ी नहीं है। हालांकि आप जाना चाहो तो काइगर एक ऑप्शन है इसके अलावा, बट भाई मुझे काइगर इससे ज़्यादा बेहतर इसकी लुक लगती है, इसीलिए शायद इसकी डिमांड ज़्यादा है उसके कंपैरिजन में। हालांकि ये डिलीवरी इतनी जल्दी जल्दी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, ये इनकी कमी है, दिक्कत है। बाकी भाई वैसे कोई कमी ना गाड़ी में, मतलब जहर है गाड़ी, मज़ेदार एकदम, लेना चाहो तो ले सकते हो। पीछे ही इको स्पोर्ट खड़ी है ना भाई, ये लगा लो इको स्पोर्ट के बराबर से सौदा, और ये लगा लो उससे बेहतर लुक तो खैर साफ बेहतर है वैसे, लेकिन भाई देखो वो गाड़ी वही है, इको स्पोर्ट का अपना मज़ा है, मैग्नाइट का अपना मज़ा है। चलो भाई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।